जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने आपको यहाँ का खूबसूरत लेजिंकी पार्क दिखाया था, इस वीडियो में हम यहाँ का बहुत ही खूबसूरत ओल्ड टाउन देखने वाले हैं। वॉर्सो जो है वो वर्ल्ड वॉर टू के टाइम पूरी तरह से तहस नहस हो गया था, फिर भी जो कुछ यहाँ पे बचा था उसको प्रिजर्व करते हुए इसे रिकंस्ट्रक्ट किया गया। सिटी का कुछ हिस्सा जो है वो पुराने आर्किटेक्चर को माइंड में रखते हुए रिकंस्ट्रक्ट किया गया और कुछ हिस्से पर जो है वो बड़े बड़े स्काईस्क्रेपर्स बिल्ड किए गए ताकि ये सिटी अपने पास्ट और आज के प्रेजेंट का एक अच्छी रिप्रेजेंटेशन बन सके। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं और आपको लेके चलते हैं यहाँ के ओल्ड टाउन की तरफ। तो बस हमें ओल्ड टाउन ले आइए और हम सीधा ओल्ड टाउन जाने वाले हैं, और अगर वापस जाना हो तो वहाँ से जाना है। तो ये है यहाँ का छोटा सा ओल्ड टाउन, यहाँ पे पीछे थोड़ी सी वॉक करने की जगह है, यहाँ पे पीछे एक कैसल है। हम देख सकते हैं यहाँ पे छोटा छोटा यहाँ पे जो थोड़ी बहुत चीज़ें हैं वो कैसे इन लोगों ने काफ़ी अच्छे से प्रिजर्व करी है, उसको एक तरह से रिकंस्ट्रक्ट भी किया है। तो काफ़ी चीज़ें जो है यहाँ पे टूट गई थी और उनके बाद उसको रिकंस्ट्रक्ट किया गया था पुराने आर्किटेक्चर को माइंड में रखते हुए। उस तरफ जो है वो रशियंस का कब्ज़ा था, विस्टुला नदी के इस तरफ, विस्टुला नदी के इस तरफ जो है वो जर्मन्स का कब्ज़ा था। तो वर्ल्ड वॉर टू के टाइम में यहाँ पे बहुत सारा बॉम्ब गिराए गए थे और ऑलमोस्ट सब यहाँ पे लगभग टूट गया था। हम जो अपने आसपास ये देख रहे हैं वो काफ़ी हद तक जो है वो वर्ल्ड वॉर टू के बाद कंस्ट्रक्ट किया गया था। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये सिटी वर्ल्ड वॉर टू के टाइम पूरी तरह से तहस नहस कर दी गई थी, लेकिन फिर भी इसको इस तरह से कंस्ट्रक्ट किया गया कि जो कुछ भी बचा कुछ है उसे अच्छे से प्रिजर्व किया जा सके, साथ ही साथ बड़े बड़े स्काई स्क्रेपर्स भी बनाए जा सकें। तो मेरे इस तरफ जो है वो टूटी टूटी बिल्डिंग है और उस तरफ जो है वो थोड़ी सी जो है नई कंस्ट्रक्शन हो रखी है। तो यहाँ पे जो है पूरा शहर जो है उस टाइम पे तहस नहस हो चुका था वॉर के टाइम पे, और अभी यहाँ पे जो है उन्होंने पूरा इसको जो है स्क्रैच से बनाया। इसका बहुत ही अच्छा एग्जांपल है यहाँ का कैसल, जिसके बचे कुछ हिस्से को काफी अच्छी तरह से प्रिजर्व किया गया है और कुछ हिस्से में एक नया कैसल रिकंस्ट्रक्ट किया गया है। साथ के साथ पूरी सिटी में हम देख सकते हैं कुछ बिल्डिंग्स जो हैं, अगर वहाँ पे कुछ ईंटें भी पड़ी हुई हैं तो उनको जो है वो बहुत अच्छी तरह प्रिजर्व किया गया है ताकि ये आने वाली जनरेशन को ये बता सकें कि यहाँ पे क्या हुआ था। तो मेरे हिसाब से इस सिटी की रिकंस्ट्रक्शन जो है वो अपनी हिस्ट्री को प्रिजर्व करने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी की गई है, और साथ ही साथ यहाँ पे बड़े बड़े स्काई स्क्रेपर भी बनाए गए हैं ताकि इसे एक मॉडर्न लुक भी दी जा सके। ये थी छोटी सी वॉक यहाँ के ओल्ड टाउन में। इवनिंग के टाइम पे काफ़ी ब्यूटीफुल हो जाता है यहाँ पे, लोग काफ़ी आते हैं, कुछ बैंड वैंड प्ले करते हैं, फायर शो टाइप होते हैं, कुछ कुछ वीकेंड पे यहाँ पे होता रहता है। तो वहाँ से हम इस तरफ आ गए हैं, यहाँ पे क्रिसमस के टाइम पे काफ़ी अच्छा एक आइस स्केटिंग की जगह बनी होती है, बहुत खूबसूरत है। आगे जाते हैं, अच्छा व्यू है वहाँ से। So I have just come to this spot. It is just hardly 20 meters from the old town. So it's very close by. And there you can see behind me is the Vistula River. लेकिन वो सब अगली वीडियो में, जहाँ पे मैं आपको यहाँ की खूबसूरत विस्टुला नदी के बैंक्स पर ले जाऊंगा। ये जगह सिर्फ 2 साल पहले कंस्ट्रक्ट की गई और बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। खूबसूरत होने के साथ साथ ये सेफ भी है, यहाँ पे लोग जो है वो व्यू को एंजॉय करते हैं और अल्कोहल भी कंज्यूम करते हैं और रिस्पॉन्सिबली पीते हैं, लेकिन ये सब अगली वीडियो में। तो अगर ये वाली वीडियो पसंद आ गई हो तो इसे लाइक कर दीजिए, अगर आपका कोई भी सवाल हो तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है उनको बहुत बहुत धन्यवाद, और अगर बाकी लोग कर लेंगे तो उन्हें आने वाली जर्नी के अपडेट्स भी मिलते रहेंगे। बाकी अपना ख्याल रखिए एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।